हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? साथियों, आपके कुछ दोस्त रिश्तेदार बहुत अमीर और धनवान होते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर वो इतने अमीर कैसे हैं? उसके पीछे की वजह क्या है? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर वास्तु के मुताबिक आप चलते हैं तो आप भी धनवान बन सकते हैं। दक्षिण दिशा को बहुत ही खास और अहम बताया गया है। घर की दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है और इस दिशा में कुछ खास चीज़ों को रखने से घर में बरकत आती है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा भी माना जाता है और इधर कुछ खास सामान रखने से बरकत होती है। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे झाड़ू की। वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में झाड़ू रखना अच्छा माना जाता है। इससे धन लाभ के योग बनते हैं। घर की दक्षिण दिशा में जेड प्लांट लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस पौधे को आप हॉल या ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। इससे धन समृद्धि में वृद्धि होगी। वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में फिनिक्स चिड़िया की तस्वीर रखना भी शुभ होता है। इससे सुख शांति और समृद्धि आती है। बेड का सिरहाना भी घर की दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इससे घर परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहता है। घर का कीमती सामान भी दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है, जिससे धन धान्य की कमी नहीं होती। क्या आपको पता है अंबानी परिवार इतना अमीर कैसे है? तो इसकी कोई और वजह नहीं, बल्कि यही वजह है कि उन्होंने अपने घर की हर चीज को वास्तु के अनुसार रखा हुआ है और उन्होंने दक्षिण दिशा को महत्व दिया है। तो आप भी वास्तु अनुसार ही चलें, फायदा होगा।